दोस्तों, अगर आपने माँ हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। ऑफिस से निकलने के बाद नेहा की माँ को कुछ देर पैदल चलकर मेन रोड तक जाना पड़ता था और फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के वो रोज़ घर जाती थी। जिस सड़क से होकर नेहा की माँ को मेन रोड तक पैदल चलकर जाना पड़ता था, शाम होते होते वो सड़क बहुत सुनसान हो जाती थी। उस रात नेहा की माँ ऑटो पकड़ने के लिए उसी सड़क से मेन रोड की तरफ जा रही थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश आ जाने पर नेहा की माँ बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास कोई छाता नहीं था और उसे ऑटो पकड़ने के लिए थोड़ा और चलना होगा, और खाली ऑटो आसानी से मिलता भी नहीं है। तब तक तो वो पूरी तरह से भीग जाएगी। इसलिए नेहा की माँ इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो खड़ी हो सके और बारिश से भीगने से बच सके। तभी नेहा की माँ को कुछ ही दूरी पर एक घर दिखाई दिया। उसने सोचा कि बारिश रुकने तक वो वहीं खड़े होकर इंतज़ार करेगी। नेहा की माँ दौड़ती हुई उस घर की ओर बढ़ी। उस टूटे घर की छत के नीचे खड़े होकर नेहा की माँ उस घर के चारों ओर अच्छी तरह से देख रही थी। उसने देखा कि घर की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में बहुत दिनों तक कोई नहीं रहा। नेहा की माँ बेसब्री से बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी, तभी अचानक घर के अंदर से एक महिला की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनने पर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत तकलीफ़ में है। नेहा की माँ को बहुत अजीब लगा ये सोचकर कि कोई इस टूटा फूटा घर में भी रहता है। घर के अंदर कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। नेहा की माँ बहुत देर तक उस आवाज़ को सुनती रही। वो इस आवाज़ को और सहन नहीं कर पाई। नेहा की माँ ने सोचा कि शायद इस घर में कोई महिला अकेली है और उसे किसी की मदद की ज़रूरत है। ये सोचकर नेहा की माँ दरवाजे के सामने जाकर कहा, हेलो, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? बारिश की वजह से मैं आपके घर के बाहर खड़ी थी। अगर आपको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो मुझे बता सकते हैं आप। बारिश की वजह से मैं आपके घर के बाहर खड़ी थी। क्या आपको मदद की ज़रूरत है?
पूरी बात सुनने के बाद पुजारी जी अगले दिन उस घर में जाता है। और पूरे घर में पवित्र पानी छिड़क कर उस घर में रहने वाले बुरी शक्ति को नष्ट कर देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।